हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग अवर चैप्टर नंबर 5, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक वेरिएशंस. व्हाट आर वेरिएशंस? द डिफरेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज एंड द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट आर रेफर टू एज द वेरिएशंस. आपका अपने पेरेंट्स से अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ जो डिफरेंस है लुक में, दैट इज द वेरिएशन. वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज and offsprings of the same parent and offsprings of the same parents are known as the variations. All organisms show variations in practically every character and in almost all directions. No two individuals are exactly similar. The living organisms must change in order to adapt themselves to the changing environment, as they cannot survive. So students, variations are of two types. One are somatic, second is germinal. Types: somatic and germinal. What are somatic? The somatic variations is produced by three types of factors. One is environment, second is use and disuse of organ, and third is conscious efforts. First we will discuss about the somatic variations. Somatic variations affect the somatic cells. Somatic variations affect somatic cells. सिर्फ somatic cells को ही affect करती हैं. Somatic cells means जो gamete के cells नहीं हैं. It is neither inherited from parents nor transmitted to the next generation. ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती है. मीन्स दे आर एक्वायर, जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं. नाउ कॉजेज तो पता चल गए. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म, सच एज हैबिटेट, लाइट, टेम्परेचर, फूड प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, एनिमीज एक्सेट्रा. एनवायरनमेंट अफेक्ट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स. However, it affects the plants more than the animals. Plants को ज़्यादा affect करता है environment as compared to the animals. क्यों? Because they cannot move and protect themselves from the environment hazards. वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को environment से बचाने के लिए नहीं जा सकते हैं. Environment affects the meristems in various parts, plant parts, and even slight change in the meristematic activity. अब जो plants हैं उनकी जो meristematic activity होती है, meristem होती है, प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो उनकी टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, मेनली उसको इफेक्ट करता है. ठीक है जी. कई बार उसको स्लाइटली भी इफेक्ट करता है, कई बार मेजर इफेक्ट कर देता है. प्लांट ग्रोथ एंड फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन भी इफेक्ट होती है इन्वायरमेंट की वजह से प्लांट्स की. अ मॉडिफिकेशन इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस इज नोन एज इको फिनोटाइप. कोई भी अगर प्लांट की फिनोटाइप की कोई चेंज आ जाती है इन्वायरमेंट की वजह से, तो दो उसको हम बोलते हैं इको फिनोटाइप. द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अल्टर इट्स फिनोटाइप इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी. अब दूसरा वर्ड है हमारे पास फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी. इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से अपने आप को बचाने के लिए अपनी फिनोटाइप में चेंजेस कर लेता है तो वो है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी. नाउ फर्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर इज लाइट. वट इज लाइट? सपोज अ न्यूली हैड फिश
सोलिया हैज़ पिगमेंटेशन एंड आई ऑन बोथ द साइड्स। जब सोलिया फिश है जो जब वो न्यूली न्यूली हैच होती है तो उसकी पिगमेंटेशन और आईज उसकी बॉडी के दोनों साइड पे होती हैं, लेकिन जो अडल्ट फिश होती है उसी ऑर्गेनिज्म की उसकी क्या हैबिट है, इट रेस्ट ऑन इट्स लेफ्ट साइड ऑन द सैंडी सी फ्लोर। ग्रेजुअली इट्स लाइफ लेफ्ट साइड लूजेज पिगमेंटेशन एंड इट्स लेफ्ट आई मूव्स ऑन टू द राइट साइड। तो क्या होता है, वो सारा दिन पड़ी रहती है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो लेफ्ट साइड वाली जो पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाती है और लेफ्ट वाली साइड की जो आई है वो मूव होकर राइट साइड पे आ जाती है। दस अ फ्लैट फिश एक्वायर्स अ सोमेटिक वेरिएशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। इट मीन्स उसके ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट हुआ। किसका इफेक्ट हुआ, मेनली लाइट का, ठीक है जी। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग सनलाइट टैन्स द ह्यूमन स्किन बाय इंक्रीजिंग डार्क पिगमेंटेशन मेलानिन इन द एपिडर्मल सेल्स। हमारी ह्यूमन बींग्स की भी स्किन डार्क हो जाती है अगर हम एक्सपोज रहते हैं सनलाइट के अंदर। तो मेलानिन का क्या काम होता है, मेलानिन प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग सेल्स बाय अब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। टैनिंग इज दस एन एडेप्टिव वेरिएशन। टैनिंग क्या है, एक एडेप्टिव वेरिएशन है। नेक्स्ट है जी, प्लांट्स ग्रो इन अ शेड बिकम वीक। जो प्लांट्स शेड में ग्रो करते हैं वो वीक हो जाते हैं, पेल हो जाते हैं, उनके लीव येलो हो जाते हैं। एंड एक्वायर लॉन्ग इंटरनोड्स, उनकी स्टेम पतली हो जाती है, इंटरनोड्स लंबे हो जाते हैं, लीव्स ब्रॉड हो जाते हैं। तो जो इनके ऑपोजिट जो प्लांट्स सन में होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टिश्यू, स्मॉल थिक लीव्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास हैबिटेट। अब तक तो हमने लाइट डिस्कस की थी, अब हैबिटेट है। हैबिटेट क्या है, मीडियम। स्टोकर्स केप्ट एग्स ऑफ फिश। तो स्टोकर्स केप्ट एग्स ऑफ फिश फंडुलस इन सी वाटर कंटेनिंग मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये जो एग्स होते हैं फंडुलस फिश के, उसको मैग्नीशियम क्लोराइड में रखा जाता है। द एग्स हैच इनटू अ पिक्युलर फिश हैविंग ए सिंगल मीडियम आई इंस्टेड ऑफ टू लेटरल आईज। अगर हम उसको सी वाटर की बजाय मैग्नीशियम क्लोराइड में रख देते हैं तो उसकी दो आंखों की बजाय क्या होती है, सिंगल एक आई आ जाती है। दिस फिश हैव टू लेटरल आईज व्हेन हैच इन द नॉर्मल मीडियम। अगर हम इसे नॉर्मल मीडियम में हैच करते हैं तो दोनों तरफ आईज होती है, अदरवाइज मैग्नीशियम क्लोराइड में उसकी एक ही आई होती है जो सेंटर में ग्रो कर जाती है। द एम्फीबियंस हेट्रोफिलस प्लांट रेनाकुलस एक्वालिटिस। हमारे पास एक एम्फीबियन प्लांट है रेनाकुलस एक्वालिटिका, ठीक है। ये एक एम्फीबियन है, प्लांट है। तो इसकी हैज डिवाइडेड लीव्स अंडर वाटर एंड एंटायर लीव्स अबव वाटर। ये मतलब हाफ पानी के नीचे होता है, पानी के ऊपर होता है। जो लीव्स पानी के नीचे होते हैं इसके लीव वो फट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो ऊपर होते हैं वो फटते नहीं है, वो पूरे के पूरे होते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन एरिड एरियाज हैव सर्कुलेंस टू रिटेन वाटर। जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, प्लांट स्टोर कर लेते हैं, उनके लीव्स रिड्यूस हो जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में से ट्रांसपीरेशन ना हो। इस तरह से जो वेरिएशंस हैं वो प्लांट खुद ब खुद अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, इसकी जो रिमार्केबल एग्जांपल है हमारे पास वो है हनी बी। अ लार्वा फीड ऑन, जो हनी बी का लार्वा है वो बी ब्रेड यानी कि पोलन ग्रेन्स मिक्स विद हनी उनके ऊपर फीड करता है एंड ग्रोज इनटू अ वर्कर स्टेराइड। और मतलब फीमेल में ग्रो कर जाता है, वो फीमेल स्टेराइल होती है। एंड ए लार्वा फेड ऑन रॉयल जेली। जो लार्वा रॉयल जेली मतलब कि एक जेली होती है जो नर्सिंग वर्कर्स के मुंह में से निकलती है, जो उसके ऊपर फीड करती है, जो लार्वा उसके ऊपर फीड करता है वो क्यून क्वीन में चेंज हो जाता है, क्यून बन जाती है वो पूरे उसकी। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड्स अप द हीट एंड वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बॉडी में से ट्रांसपीरेशन बढ़ जाती है, वाटर लॉस बढ़ जाता है। पिन्ना आर शॉर्टर इन द फॉक्सेस स्पीसीज इन द कोल्डर रीजन देन इन द दोज इनहेबिटिंग इन द वार्मर एरियाज। जो फॉक्स हैं जो तो कोल्डर रीजन्स में रहते हैं उनके ईयर्स स्मॉल होंगे एज कम्पेयर टू दोज की जो वार्मर रीजन में रहते हैं उनके ईयर्स लॉन्ग होंगे। शॉर्ट पिन्ना लूज लेस हीट एंड लॉन्ग पिन्ना लूज मोर हीट। नेक्स्ट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पार्ट यूज़
एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गन। मतलब अगर हम जिस ऑर्गन को अच्छी तरह से यूज़ करने लग जाते हैं वो वेल अडेप्टेड हो जाता है, जिसको नहीं यूज़ करते हैं वो अडेप्टेड नहीं होता है। कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ एन ऑर्गन मेक्स इट बेटर डेवेल्प, वेयर एज कॉन्स्टेंट डिसयूज मेक्स इट रिड्यूस। दिस फैक्टर अफेक्ट्स द हायर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लेयर हु यूजेज हिज मसल्स इन डेली एक्सरसाइज एक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग एंड मोर मस्कुलर बॉडी देन द वन हु डज नॉट टेक एक्सरसाइज। अ लॉयन केप्ट इन द जू इज वीकर देन द लॉयन लिविंग इन द जू। This is so because the former does not use its muscles to capture the food while the latter struggles for it. And next are the conscious efforts. Third are the conscious efforts. Conscious efforts जो हम जानबूझ के करते हैं, सोच समझ के करते हैं। Conscious efforts by man produce somatic variations in humans themselves as well as in domestic animals. This includes castration. कास्ट्राटेशन। अब ये कास्ट्राटेशन क्या होती है? कास्ट्राटेशन मीन्स डैमेजिंग द टेस्टिस ऑफ द मेल काफ ऑफ द काउ, ताकि उसको बुल बनाया जाए और डोमेस्टिक एनिमल डोमेस्टिक एग्रीकल्चर में उसको यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है दी म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन 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 का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ ऑर्गन सच एज हॉर्न्स पिन्ना एंड टेल इन डोमेस्टिक एनिमल। जैसे डॉग की टेल काट देते हैं और काउ के जो हॉर्न्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में ही डैमेज कर देते हैं ताकि वो ग्रो ना करें, इस तरह से ये होती है म्यूटिलेशन। नेक्स्ट इज बोर्ड पिन्ना। बोर्ड पिन्ना ये फीमेल्स में होता है। बोर्ड पिन्ना एंड नोज इन इंडियन वूमेंस टू वियर द ऑर्नामेंट्स। ठीक है जी, तो इस तरह से ये कॉन्शियस एफर्ट्स हैं जो मैन खुद करता है फॉर फॉर्मिंग हैबिटेट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट इज जर्मिनल वेरिएशंस। अब जर्मिनल वेरिएशंस क्या है? जर्मिनल वेरिएशंस अफेक्ट द जर्म सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इज कॉन्शियसली कॉन्सिक्वेंटली इनहेरिटेबल, सॉरी कॉन्सिक्वेंटली इनहेरिटेबल। जर्मिनल वेरिएशंस एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होती है। जर्मिनल वेरिएशंस दीज आर इनहेरिटेबल, दीज आर इनहेरिटेबल। जर्मिनल वेरिएशंस आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स। ये दो तरह की होती हैं, कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस। अब कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस क्या हैं? कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस रेफर्स टू द स्मॉल इंडिस्टिंक्ट डिफरेंसेस फ्रॉम द एवरेज कंडीशंस। इट अकर्स बोथ प्लस एंड माइनस साइड ऑफ द नॉर्मल टाइप एंड इज कनेक्टेड विद द इंटरमीडिएट स्टेजेस। अब ये देखिए, सपोज ये जो वेरिएशन है इसमें एक लॉन्ग हाइट है, एक स्मॉल हाइट है, लेकिन वो वेरिएशन क्या है? मीन हाइट शो कर रही है। ठीक है जी, तो हैंस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मूथ। अब कंटिन्यूस वेरिएशन को हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगी? मीडियन हाइट है, मीन हाइट आएगी, मीन हाइट। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स शोइंग द हाइट, शोइंग ईच पर्टिकुलर हाइट। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आएंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इधर मीन हाइट आएगी। ठीक है जी, तो इट अकर्स ऑन बोथ प्लस एंड माइनस साइड ऑफ द टाइप एंड इज कनेक्टेड विद द इंटरमीडिएट स्टेजेस। प्लस साइड, माइनस साइड, इंटरमीडिएट स्टेज, तो ये फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस है और फ्लक्चुएशंस है। इसके कॉजेज क्या होते हैं? इसके कॉजेज दो तरह से होते हैं। नंबर वन, एक तो क्रोमोसोम की वजह से, दूसरा रिकॉम्बिनेशन की वजह से। क्रोमोसोम्स की वजह से कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड इनफाइनाइट चांसेस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो दीज न्यू कॉम्बिनेशन अराइज एट टू स्टेप्स। नंबर वन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स एंड ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये दो कॉम्बिनेशन कब बनते हैं? फर्टिलाइजेशन के टाइम बनता है, सॉरी एक गैमेट फॉर्मेशन के टाइम बनता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन के टाइम बनता है।
ये जो इसलिए ये कॉन्टीन्यूस वेरिएशन कॉज होती है। नेक्स्ट टाइप है इसका, नेक्स्ट कॉज है जिसका रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। इट इज़ द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द टू पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनका आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का चेंज हो जाना, तो ये कहाँ पर होता है, टकर्स इन द प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन। इट ट्रांसफर्स ए ब्लॉक ऑफ जीन्स फ्रॉम ईच क्रोमोसोम टू इट्स होमोलोगस। तो इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी ये जर्मिनल वेरिएशन अपीयर होती हैं। तो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन है हमारे पास, ये दो तरह की हैं। वन आर सब्सटेंसिव कॉन्टीन्यूस वेरिएशन, सब्सटेंसिव कॉन्टीन्यूस वेरिएशन, अब सब्सटेंसिव कॉन्टीन्यूस वेरिएशन कौन सी हैं? दीज वेरिएशन अफेक्ट द साइज वेट शेप, साइज वेट शेप सॉरी शेप एंड कलर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड कलर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिस्टिक कॉन्टीन्यूस वेरिएशन, मेरिस्टिक। अब ये जो मेरिस्टिक है ये क्या करती है? दीज वेरिएशन इन्वॉल्व चेंज इन द नंबर ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे स्टार फिश में चार की बजाय छः आर्म्स हो जाती हैं, ये होते हैं चेंज इन द नंबर ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और पेंटामेरिस फ्लावर में सिक्स हो जाते हैं सेपल्स, इस तरह से। नेक्स्ट आर द डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस, डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस। अब डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस क्या है? डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस रेफर्स टू द लार्ज डिफरेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द पेरेंट्स, दिस इज नोन एज द म्यूटेशन। जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लार्ज डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज द म्यूटेशंस, इनको हम म्यूटेशंस भी बोलते हैं। और म्यूटेशंस बोलते हैं, स्पोर्ट बोलते हैं, सॉल्टेशन बोलते हैं। देर आर नो इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द पेरेंट्स एंड द म्यूटेंट्स, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती है। इसका कॉजेस क्या होता है? इसका कॉज होता है मॉडिफिकेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेकेंड, अल्ट्रेशन इन द केमिकल नेचर ऑफ द जीन्स, जीन में अल्ट्रेशन हो जाती है, कोई एडिशन हो जाती है, कोई डिलीशन हो जाती है या सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। अल्ट्रेशन इन केमिकल नेचर ऑफ जीन्स। नेक्स्ट है जी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी भी चेंज हो जाती है, इनके बीच में भी चेंज हो जाता है, इसलिए भी म्यूटेशंस और डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस आ जाती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द वेरिएशंस। दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।